नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्पीड नेटवर्क पर। तो दोस्तों, आज की इस लेटेस्ट वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं EPS 95 पेंशनरों के लिए पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के। जो सरकार की तरफ से कई मुहिम चल रही है, कई EPS 95 पेंशनरों को पेंशन देने के लिए अलग अलग EPS 95 पेंशनरों को अलग अलग पार्ट बनाए जा रहे हैं कि पेंशन इन इन लोगों को इतनी मिलेगी, इन इन लोगों को इतनी पेंशन मिलेगी। तो वो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा किन लोगों को कितनी पेंशन और कब से पेंशन मिलने वाली है। अब सभी लोग हैं जो पेंशन को लेकर के परेशान हो रहे हैं, क्योंकि पेंशन कई पिछले 6 साल से इसके ऊपर हम प्रयास कर रहे हैं लेकिन हमें पेंशन नहीं मिल रही है। तो इसके ऊपर सभी EPS 95 पेंशनर हैं वो इसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं कि अब आखिर हमें अब कब से पेंशन मिलेगी। और मेरे कई सारे कमेंट्स भी ऐसे आते हैं कि सर, अब हमें पेंशन मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, अगर हमें ये पेंशन मिलेगी तो ये हमें पेंशन कब से मिलने वाली है, इस पर सर हमें पूरी तरीके से बताने की कोशिश करें। दोस्तों, हमारे स्पीड नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर फेस टू फेस वीडियो, क्वालिटी मंद वीडियो दिया जाता है। दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं मैं टूर पर निकला हुआ हूँ और ये जो रूम है हमारा, छोटा सा रूम हमने किराया लिया है यहाँ पर। और मैं कहाँ पर हूँ अभी और कहाँ पर मैंने ये रूम किराए पर लिया है, आप देख सकते हैं। पूरा सामान यहीं पर पड़ा हुआ है, पूरा एडिटिंग वगैरह करने के लिए भी यहीं पर पूरा सामान पड़ा हुआ है। तो लाइटिंग की भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, इसीलिए दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एडजस्ट कर लेना इसको, सभी इन सभी को। बाकी वॉइस भी गूंजती होगी क्योंकि ऊपर से भी आप देख सकते हैं इस प्रकार से ये रूम है, तो कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं इस रूम के अंदर, तो वॉइस गूंज रही है। चलो भाई, वो बातों आप स्पीड नेटवर्क के ये चैनल है और वो दूसरा चैनल मेरा ब्लॉगिंग चैनल है पाउंडेर, वहाँ पर जाकर के आप चेक कर सकते हैं मैं अभी कहाँ पर हूँ, क्या कर रहा हूँ। दोस्तों, EPS 95 पेंशनरों के लिए पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के पिछले कई साल से मुद्दे चल रहे हैं। मुद्दों पर हमारे स्पीड नेटवर्क यूट्यूब चैनल पर हर रोज़ अपडेट दी जाती है, इसीलिए दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब दोस्तों बात करते हैं कि 4 पार्ट के अंदर आपको पेंशन मिलने वाली है और उन 4 पार्ट में से एक पार्ट को जल्द ही मंजूरी देने वाले हैं, वो कौन सा पार्ट है। जी हाँ दोस्तों, कल मेरे कमेंट आए थे कि कल लाइव हम जब लाइव आए थे 11:20 पर, उस समय मेरे कमेंट आया था कि सर, जो पीछे अभी जो सीजी को सैलरी 1 लाख रुपये मिल रही है वो रिटायरमेंट होता है तो उसको पेंशन कितनी मिलती है, तो उसको पेंशन है वो 15,000 रुपये तक मिलती है। और एक दो कमेंट भी आए थे कि सर हाँ, ये राइट बात है आपकी, ये नियम लागू हो गया और हमें भी पेंशन मिल रही है, तो ये बहुत ही अच्छा हुआ। इसके बाद में दोस्तों, इस अब जो मैंने पिछले आपको 4 पार्ट बताए थे, मैंने आपको बताए थे कि अब पेंशन है वो आपको 4 पार्ट के अंदर पेंशन मिलने वाली है, अब वो बता देता हूँ मैं आपको। 4 पार्ट जो पहले मैंने बताया था कि 1995 से लेकर के 6 तक एक पार्ट हो गया, 6 से 16 तक का एक पार्ट हो गया और 16 से 21 तक का एक पार्ट हो गया, और इसके बीच में ही 4, 5, 6 उसमें भी समस्या है, तो समस्या वाले वो। और EPS 95 पेंशनर जो रेलवे के अलग जुड़े हुए हैं पेंशन इस योजना में वो, और जो EPS 95 पेंशन योजना से लागू होने से पहले जो कुछ लोग पहले के भी जुड़े हुए हैं इसके अंदर, उन लोगों के लिए बताया जा रहा है कि समान पेंशन की जाएगी। जो अलग से जुड़े हुए हैं उनके लिए 3,000 रुपये तक पेंशन बढ़ोतरी कर दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको पेंशन 2,000 रुपये, 1,000 रुपये या 1,500 रुपये या 500 रुपये अगर आपको मिल रही है, तो उन लोगों के लिए जो EPS 95 पेंशन योजना में नए जुड़े हैं उनके 3,000 रुपये तक पेंशन बढ़ोतरी कर दी जाएगी। दोस्तों, हर बार EPS 95 पेंशनरों के लिए एक अलग मोड़ आ जाती है, अलग ही एक मोड़ आ जाती है हर बार पेंशनरों के लिए। और पेंशन बढ़ोतरी होने का नाम नहीं है बाकी लोगों के लिए, लेकिन ये नई नई योजनाएं निकाल रहे हैं कि इनको इतनी पेंशन दे दी जाएगी, इनको इतनी पेंशन दे दी जाएगी, इनको इतनी पेंशन दे दी जाएगी, लेकिन इसमें अमल तरीके से कोई, मैंने अभी तक अमल तरीके से कोई लागू होते हुए नहीं देखा है कि ये आज से लागू हो गया और अब से आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी, ऐसा मैंने नहीं देखा है। पिछले मार्च की बात है शायद, मार्च के लमसम की बात है कि हमें सरकार ने CBT मीटिंग की और CBT मीटिंग में कहा गया था कि आपको पेंशन
पेंशन 5,000 रुपये दे दी जाएंगी। लेकिन पेंशन 5,000 रुपये भी उस समय के कर ही रह गए, बिल्कुल भी किसी को भी 5,000 रुपये पेंशन बढ़ोतरी नहीं हुई। तो दोस्तों ये बात है कि अब जो नए लोग जुड़े हुए हैं उनको तो फ़ायदा है, ठीक है। अब जो EPS 95 पेंशन योजना में नए लोग जुड़ते हैं उनको फ़ायदा है। जो नए लोग कौन, जो कि अभी अभी रिटायरमेंट हो रहे हैं, अभी जुड़ रहे हैं, उनको तो फ़ायदा है कि उनको तो ये नियम लागू हो गया कि पूरी पेंशन देनी चाहिए, उनको तो पूरी पेंशन मिल रही है, उनमें तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन अब जो नए नियम के बाद में जो जुड़ रहे हैं उनको तो फ़ायदा हो ही रहा है। जो नए नियम में से पहले जुड़े हुए थे, जैसे कि 1995 से लेकर के आपने अगर 2016, 17, 18, 19, 20 के बाद में वो नियम लागू हुआ, 20 तक अगर आप रिटायरमेंट हुए तो आपकी पेंशन में वही गिरावट है जो कि पहले थी। जैसे कि आपको पेंशन किसी को 700 रुपये मिल रही है, किसी को 1,000, किसी को 2,000, किसी को 3,000, किसी को 4,000, किसी को 5,000। जिसको 5,000 तक पेंशन मिल रही है उनको, जो पुराने वाले हैं उनको 5,000 रुपये तक पेंशन मिल रही है, उनकी बढ़ोतरी बिल्कुल भी नहीं हो रही है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जिनकी 5,000 रुपये से कम मिल रही है पेंशन, उनको 7500 प्लस पेंशन मिलनी चाहिए, क्योंकि ये भी एक EPS 95 पेंशनर है जिन्होंने देश की रक्षा की, देश के लिए काम किया, 40 साल तक काम किया उन्होंने। हाँ, ये हो सकता है कि आपको काम और आपकी जो कितने माह तक आपने काम किया, कितने साल तक आपने काम किया, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको पेंशन कितनी मिलती है। लेकिन आप तो सीधा ही सीधा कट कर देते हैं कि वैसे इसको 1,000 रुपये बढ़ा देते हैं, इसको 2,000 रुपये बढ़ा देते हैं, ये नहीं चलने वाला है। EPS 95 पेंशनर अगर 65 लाख से 70 लाख तक लोग हैं तो ये पलट सकते हैं, सत्ता को पलट सकते हैं। 65 लाख अगर वोट एक से एक तरफ पड़ते हैं तो बहुत कुछ बदल सकते हैं। इसीलिए सभी पेंशनर भाइयों से और मेरे 1 लाख प्लस लोगों से निवेदन है कि आप प्लीज़ जिस प्रकार कमांडर सोजी रावत निर्णय लेते हैं उसी प्रकार आप उन्हीं की तरफ झुकते रहें, उन्हीं को संभालते रहें। और हर एक व्यक्ति को ध्यान से रखना है कि कौन आपके पक्ष में बोल रहा है, कौन आपके विपक्ष में बोल रहा है। अगर आप विपक्ष में आपके बोल रहा है और आप उसको सहयोग कर रहे हैं तो वो भी गलत बात है। बाकी दोस्तों आप, आपको हमारे YouTube चैनल स्पीड नेटवर्क, आपको हर रोज़ सही अपडेट, कन्फर्म अपडेट बताई जाती है कि आपको इस दिन से पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी और इन्हीं लोगों को पेंशन मिलेगी। और ये जो नियम लागू होने जा रहा है वो दोस्तों महीने भर के अंदर लागू हो जाएगा और इन लोगों को फ़ायदा मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन देखते हैं अभी, क्योंकि पिछले पीछे भी कई बार ऐसी बातें हो चुकी थी लेकिन पेंशन नहीं मिली थी, अब की बार मिलेगी या फिर नहीं वो भी हम चेक करके आपको बता देंगे। हमारे इस YouTube चैनल स्पीड नेटवर्क पर हर एक पल पल की अपडेट एकदम राइट इन्फॉर्मेशन दी जाती है। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।